हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की का यौम पैदाइश मनाया जाता है क्रिसमस के नाम से 25 दिसंबर। तारीख अगर आप पढ़ के देखें तो पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 300 साल तक कोई तसव्वुर नहीं था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यौम पैदाइश मनाने। आपके सहाबारी आपकी जो सहाबा किराम थे उनमें से किसी ने नहीं मनाया। 300 साल तक क्रिसमस का कोई तसव्वुर नहीं। 300 साल के बाद कुछ लोगों ने ये बिदअत शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि साहब हम ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाते। जो कट्टर किस्म के लोग थे उस जमाने में होते थे कट्टर वहादी हम जैसे, तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या तुमने सिलसिला शुरू किया, इसका तो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में कहीं जिक्र नहीं, ये दिनवाने का सोने साहब क्या हरज है, कोई ऐसी बुरी बात तो है नहीं, हम इसमें जमा होंगे ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे उनकी तालीमात को याद दिलाएंगे तो अगर लोगों में कुछ शौक जौक पैदा होगा तालीमात पर अमल करने का तो हम कोई बुराई का काम तो करेगा कोई गुनाह का काम तो करेगा, ये कहकर और सिलसिला शुरू कर जहाँ से शुरू इसी तरह हुआ। क्रिसमस के जब 25 दिसंबर का दिन आता तो चर्च में एक इज्तिमा होता, एक पादरी साहब खड़े होकर ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और आपकी सीरत बयान कर देते और अल्लाह फैसला इसी तरह शुरू हुआ बेजरत मासूम तरीके। लेकिन बाद में ये हुआ कि भाई ये तो हमने तकरीर तो बड़ी करा दी लेकिन बड़ी खुश किस्म की हुई और नतीजा ये कि जो नौजवान लोग हैं जो जरा शौकीन मिजाज लोग हैं वो तो आते नहीं, तो इसको ऐसा करो कि जरा इसको एक ऐसी शक्ल बनाओ कि जरा दिलचस्प बन जाए लोगों की के लिए दिलचस्प हो। तो दिलचस्प बनाने की खातिर उसमें क्या हुआ कि भाई अब जरा कुछ इसमें मौसीकी उसीकी शामिल कर लो, तो मौसीकी के ऊपर नजमें पड़े जाने लगी, वो मौसीकी आ गई। उन्होंने कहा ये मौसीकी से भी काम नहीं चल रहा तो अब क्या करें, जब कुछ नाच गाना शामिल कर लो, अब वो नाच गाना भी हो गया, जब कुछ ऐसे हंसी मजाक के खेल तमाशे शामिल कर लो वो भी हो गए। अब होते होते वो क्रिसमस जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का बयान करने के नाम पर शुरू हुआ था अब वो एक आम जश्न बन गया जैसे आम दुनिया में जश्न होते हैं। नतीजा ये कि उसके अंदर सभी कुछ दुनिया के खुराफात उसमें होते, उसमें नाच गाना उसमें मौसीकी उसमें शराब नोशी उसमें किमारबाजी उसमें जुआ उसमें और दुनिया भर के सारी खुराफात उसके अंदर शामिल हो गई और होते होते ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पीछे रह गई। और ये अब आप देख लीजिए क्रिसमस जब आता है मगरिब ममालिक के अंदर क्या तूफान बरपा होता है और सब हो रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश। तो हम अल्लाह तबारक व तआला जो ये दीन भेजा हमारे पास वो इंसान की नफ्सियात और उसकी चोरियों से वाकिफ जानते थे कि अगर इसको जरा सा सुरक्षा दिया गया ये कहां से कहां बात को पहुंचाए, इस वास्ते ये दिन मनाने का कोई तस्वूर ही नहीं रखा ना हजूर की सीरत में ना साहब इकराम की सीरतों में ना काबिल उम्मत की सीरत। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्रिसमस में हुआ था 300-400 साल के बाद किसी बादशाह के दिल में ख्याल आ गया कि भैया ईसाई लोग मनाते हैं यौम पैदाइश ईसा अलैहिस्सलाम का तो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना मनाएं, उसने शुरू कर दिया मौलूद मिलाद। इस तरह चलकर यह आगाज हुआ। शुरू में यहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि मिलाद नबी होगा उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान होगा उसमें नाते पड़ी जाएंगी ये होगा। अब होते होते देख लो क्या हो रहा है कि ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है कि 1300 साल गुजरने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उस दर्जा नौबत नहीं पहुंची जैसे ईसाइयों के पहुंची। लेकिन अब भी जरा देख लो कि सड़कों पर क्या हो रहा है, किस तरह छबियां खड़ी की हुई है रोजा अकदस की, किस तरह काबे शरीफ की छबियां खड़ी की गई है, किस तरह लोग उसके ऊपर तवाफ कर रहे हैं, कैसे उसके गिर्द रिकॉर्डिंग हो रही है, किस तरह चरागा किया जा रहा है और किस तरीके से झंडियां लगाई जा रही हैं और गोया माजल्ला मासूमा माजल्ला ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का कोई जश्न नहीं है जैसे कि आम हिंदुओं के और ईसाइयों के जश्न हुआ करते हैं उस तरीके से उसको मनाया जाता है। तो सारी वो खराबी आकर रफ्तार रफ्तार अंदर जमा हो गई और उससे बड़ी खराबी ये कि ये सब कुछ हो रहा है दीन के नाम पर, सब कुछ हो रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुकद्दस पर और
ये सोच करके बड़े सवाब का काम है, ये बड़ा अजर का काम है, ये सोचकर हो रहा है। और आज भी ये सोच रहे हैं कि भाई हमने सरकार द्वारा संघ के साथ मुहब्बत कहाँ खड़ा कर दी, आज बड़ा रबीउल अव्वल को चढ़ावा करके अपनी इमारतों को रोशन करके अपने रास्तों को सजाकर हमने सरकार द्वारा संघ की मुहब्बत कहाँ खड़ा कर दी, ये दिमाग में बात आ रही। वो पूछो भाई दीन का अमल नहीं करते, अजी हमारे यहाँ तो मिलाद होता है, हमारे यहाँ तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर यह चढ़ावा होता है, तो ये दीन कहाँ करो। तो भाई ये सब जो है तरीका, ये इस्लाम का तरीका नहीं, ये सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं, आपके साहब इकराम का तरीका नहीं। अगर इसमें कोई खैर होती तो साहबे के नाम सिद्दीक अकबर और फारूक आजम उस्मान गनी अली मुर्तजा इससे चूकने वाले नहीं थे। हमारे भाई साहब अंसल्लाह से जो ये एक मसल सुनाया करते थे, बनिए से सियाना सो बावला, यानी जो आदमी ये दावा करे कि मैं बनिए से ज्यादा समझदार होशियार हूं तिजारत में और मैं उससे ज्यादा तिजारत जानता हूं और उससे ज्यादा होशियार हूं, जो ये दावा करे वो बावला, वो पागल है। हकीकत में बनिए से ज्यादा सियाना नहीं हो सकता तिजारत में, बनिए से सियाना सो बावला। तो हमारे वैसा कर्सला से फरमाया करते थे कि जो शख्स ये दावा करे कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबे किराम से ज्यादा आशिक हूं और सहाबे किराम से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला हूं, वो हकीकत में पागल है, बेवकूफ है, अहमक। सहाबे किराम से बड़ा आशिक, सहाबे किराम से ज्यादा मुहिब कोई नहीं होता। उनका हाल यह था कि ना जुलूस है, ना जलसा है, ना चढ़ावा है, ना झंडी है, ना सजावट है, लेकिन एक चीज है कि सरकारे दो आलम सलाम की सीरत तैयबा जिंदगी में रची और बसी हुई। उनका हर दिन सीरत तैयबा का दिन, उनका हर लम्हा सीरत तैयबा का लम्हा, उनका हर काम सीरत तैयबा का काम,